दोस्तों, अगर आपने इंडिया पोस्ट ऑफिस से GDS स्पेशल साइकिल 12828 वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है तो बहुत अच्छी बात है। आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होगा रिजल्ट का। आखिर इस भर्ती का रिजल्ट किस दिन आ रहा है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट किस दिन जारी होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। तो आप अगर अभी से क्लासेस पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी से क्लासेस एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जिस पर सरकारी नौकरियों की संपूर्ण जानकारी दी जाती है एवं ऑफिशियली अपडेट दिया जाता है हर प्रतियोगी परीक्षाओं के रिलेटेड। तो आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल से आज ही अभी जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाला जो बटन है वह क्लिक कीजिएगा एंड हमेशा की तरह जो पुराने कैंडिडेट्स है वो लाइक का बटन दबा देना और इस वीडियो को जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हो वहाँ पर शेयर कर देना। दूसरी बात, अगर आपको व्लॉगिंग अच्छा लगता है, आपकी दिनचर्या थोड़ा बिजी है, आप थोड़ा इस बिजी लाइफ में हंसना चाहते हो तो हमारे द्वारा एक नया व्लॉग चैनल बनाया गया है जिसमें मेरी आपको लाइफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उस व्लॉग के माध्यम से सारी आपको इंडियन कल्चर, जहाँ से मैं बिलोंग कर रहा हूँ वहाँ का सारा वातावरण दिखाऊँगा। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल से आप जुड़ जाइए। उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आइए बिना टाइम गवाए यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बात कर रहा हूँ GDS स्पेशल साइकिल भर्ती की। दोस्तों, कुल सीट है ऑल इंडिया 23 सर्किल 12828। फॉर्म कितने भरे गए हैं इन 12828 के लिए तो इसकी अलग से वीडियो आने वाली है, उसका इंतज़ार करिए। दोस्तों, इसका जो फॉर्म फिलिप की लास्ट डेट थी वह 23 जून थी। 23 जून तक अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म में गलती कर दी, उसके लिए फॉर्म एडिट के लिए विंडो ओपन हुआ और फॉर्म एडिट अभ्यर्थियों ने 26 जून तक किया। ठीक है, 26 जून के बाद, लेकिन जैसे ही आप ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करोगे यहाँ पर एक लाइन चलती आपको दिखाई दे रही है। यह लाइन हमें कह रही है कि डेट एक्सटेंशन हो गई है, यानी कि बढ़ा दी गई है। केवल एक सर्किल ऐसा है जिसका नाम है मणिपुर। तो जो भी कैंडिडेट्स मणिपुर से फॉर्म अप्लाई कर रहा है इसकी डेट बढ़ गई है 28 जून से, और 8 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ये 8 जुलाई कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट की जानकारी देने वाली है। इस डेट को देखते हुए आखिर रिजल्ट किस दिन आ रहा है, तो दोस्तों इस भर्ती का रिजल्ट, इस भर्ती की पहली लिस्ट आनी तो जुलाई महीने में ही है, यानी कि इसी महीने यह लिस्ट आएगी और इस महीने में 15 जुलाई से पहले पहले लिस्ट नहीं आने वाली। ध्यान रखना मेरी बात, 15 जुलाई के आसपास और 15 जुलाई के बाद आपकी लिस्ट आ रही है। नेक्स्ट क्या रहेगा कट ऑफ, जनरल अभ्यर्थी, EWS अभ्यर्थी, OBC, SC, ST और PWD का। अगर आपने इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है और आपको कट ऑफ जाननी है तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत जल्द अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि जनरल वालों का इतने परसेंट पर सिलेक्शन होगा, EWS वालों का इतने परसेंट पर होगा। उसी प्रकार आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। पहली लिस्ट में अगर आपके इतने परसेंट है जो मेरे द्वारा बताए जाए तो सिलेक्शन पक्का है। उस वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द वह वीडियो अपलोड होने वाली है, उस पर काम चल रहा है, क्योंकि डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, उसमें एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया
कि रिजल्ट किस कब तक आएगा, संभावित क्या तिथि लग रही है। ठीक है, बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ। हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।